हेलो शार्क्स, मेरा नाम संजय है और मेरी एज 45 इयर्स है। मेरा नाम शुभम है और मेरी एज 50 साल है। चौंक गए? दरअसल एक्चुअल में हमारी एज 30 साल और 28 साल है, लेकिन शहरों में होने वाले एयर पोल्यूशन की वजह से जो एयर पोल्यूशन का एक्सपोजर हुआ है, हमारे लंग्स की एज इस समय पे 50 साल के एक इंसान के बराबर हो चुकी है। शहरों में होने वाले पोल्यूशन में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 50 होना चाहिए, बट इंडिया में बहुत सारे शहरों में वो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय पे 400 से ज़्यादा है। अभी पोल्यूशन से बचने के लिए हम घर की तरफ जाते हैं, लेकिन घर पर भी ये पोल्यूशन होता है और इनफैक्ट 4 या 5 गुना ज़्यादा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ पेड़ पौधे लगा लेते हैं, लेकिन एक छोटे से कमरे में भी घर में 2 या 4 प्लांट लगाने से कुछ नहीं होता। कम से कम 100 या 200 प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके कुछ एयर क्वालिटी में इम्पैक्ट आता है। पर शख्स, आपको 100 प्लांट जितनी प्योर एयर देने के लिए हम ले आए हैं यूब्री। और यूब्री एक ऐसा एयर प्योरीफायर है जिसमें एक आप नॉर्मल प्लांट लगाते हैं और हमारे एयर प्योरीफायर के अंदर हमारी एक नोवेल ब्रीदिंग रूट टेक्नोलॉजी है जो उस नॉर्मल प्लांट की हवा को साफ करने की कैपेबिलिटी को 100 गुना ज़्यादा एम्पलीफाई कर देती है। मतलब कि एक नॉर्मल प्लांट आपको 100 प्लांट जितना साफ हवा देता है। यूब्रीत बहुत सारे हानिकारक गैसेस और बैक्टीरियल वायरसेस को भी क्लीन कर सकते हैं। यूब्रीत पूरी तरह से सस्टेनेबल है, तो इसमें कभी आपको 2 से 3 मंथ में कोई फिल्टर रिप्लेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यूब्रीत 3 अलग अलग वेरियंट्स में आते हैं। पहला यूब्रीत मिनी, दूसरा यूब्रीत लाइफ और तीसरा है हमारा यूब्रीत वॉल। 2020 से अभी तक हम लोग 1000 से ज़्यादा कस्टमर्स को केटर कर चुके हैं। हमारे प्रोडक्ट्स हमारी खुद की वेबसाइट और ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल हैं। शार्क्स हमारी टेक्नोलॉजी को IIT रोपर और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से भी बैकिंग मिली है। हम अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू इस ग्लोबल एयर क्वालिटी प्रॉब्लम को इंटरनेशनल लेवल पर सॉल्व करना चाहते हैं और आगे आने वाले 5 सालों में यूब्रीत को एक R&D एंड इनोवेशन पावर हाउस बनाना चाहते हैं। इस कन्फाइंड स्पेस में हमारा एक प्रोडक्ट रखा है यूब्रीत लाइफ, साथ के साथ एक एयर क्वालिटी मॉनिटर रखा है। पर ये बहुत छोटा रूम है ना? जी, बहुत ही छोटा है। ये बॉम्बे लग रहा है, हम दिल्ली में रहते हैं। अभी मैं धूप बत्ती जला रहा हूँ। तो इस रूम में अभी मैं पूरी तरह से ये हार्मफुल PM2.5 को फिल कर रहा हूँ। तो अभी आप जैसे देख रहे हो PM2.5 999 नंबर आ चुका है। प्यूरीफायर ऑन किया है और मैं बाहर आ जाता हूँ। इसके ऊपर वो कितना नंबर है हमें भी नहीं पता, क्योंकि उसका मैक्सिमम है। तब तक हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। हाँ, प्लीज। शार्क्स, इंडोर प्लांट्स आर प्रूवन कि वो एयर क्वालिटी में फायदा करते हैं। रिसर्चेस ये बोलती हैं कि जो क्लीनिंग मोस्टली होती है प्लांट में वो सॉइल के अंदर होती है। पर आप इमेजिन कीजिए कि हवा इसके अंदर ट्रैप होनी चाहिए, बिकॉज बायोलॉजिकल प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है उसको, और फिर बाहर भी निकलनी चाहिए। ये बहुत स्लो है, इसके लिए 2-4 प्लांट्स कुछ भी नहीं करते। तो अब उस लिमिटेशंस को हमने कम कैसे किया, उसके लिए हमने एक स्पेशल पॉट डिज़ाइन किया था। पहला तो आप देखो कि इसमें हमने क्या किया, इनके जो मेन रीज़न है उसको भी हमने एक्सपोज कर दिया, ताकि पॉल्यूटेंट जब यहाँ तक आए तो उसको वो ब्रेक डाउन कर पाए। दूसरा ये हमने ऐसा किया है कि अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन की एक चीज़, जिसका नाम हमने रखा है फैल्कन रिंग, जो ऐसी दिखती है। तो अभी क्या है कि ऊपर से जो सक्शन हो रहा है तो सारी हवा इस तक खींचनी चाहिए। वो ये फैल्कन रिंग क्या करती है कि वो उसको खींच के इसके पास ले जाती है और यहाँ पे सर्कुलेशन क्रिएट करती है कि ताकि ज़्यादा वॉल्यूम तो आ ही रही है और ज़्यादा देर तक सर्कुलेट कर पाए। वो एनक्लोजर में ऑन है? हाँ, वो सारी चीजें उसमें ऑन है। तो कम हो गया आपका नंबर? नहीं, अभी तो 999 ही चल रहा है। चलिए, आपने बहुत बारीकी से सोचा है, प्रोडक्ट डिजाइन और इंजीनियरिंग आपने अच्छा किया है, ये बात समझ गए। चलो अभी बिजनेस के बारे में बात करें, सेल्स बताइए। हम लोगों ने 2018 में कंपनी रजिस्टर कर दी थी, तो पहले फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख का हम लोगों ने रेवेन्यू किया था, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में 12.5 का, तीसरे में 26.5 के आसपास किया था। अभी रिसेंट जो कंक्लूड हुआ है फाइनेंशियल ईयर, उसमें हम लोगों ने करीबन 47 लाख का रेवेन्यू किया है। तो बट आपकी सेल तो ज़्यादा नहीं है बॉस। अगर आप नॉर्मली किसी एक दुकानदार, नॉट ओनली ब्रांड, आई एम टॉकिंग अबाउट एक रिटेलर, कि उसकी खुद की सेल करोड़ों की हो जाती है, आपकी पूरी कंपनी की सेल इतनी कम क्यों?
अप्रोच ये नहीं थी कि कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको फिर स्केल कर देते हैं। अप्रोच ये थी कि इस प्रॉब्लम को डीपली समझते हैं। दो साल एक साल तो हमें लगा कि इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा एक्सपर्टीज हासिल हो। और 20 करोड़ की वैल्यूएशन आपने राउंड किया है कोई पहले? नहीं, राउंड नहीं किया हम लोगों ने। 20 करोड़ की वैल्यूएशन बिकॉज इस स्पेस में और जो जर्नी होती है वो बहुत लंबी होती है, तो शुरू के जो 4-5 साल होते हैं उसमें रेवेन्यू फिगर्स जो होते हैं वो सही इंडिकेटर नहीं होते हैं आपकी ट्रू वैल्यूएशन का। ये साल का कितना करेंगे आप? 27 लाख कर चुके हैं एंड ऑर्डर वैल्यू हम लोगों को अभी भी मिल चुका है 26 और का, तो 50-40-50 लाख। बट आप जल्दी जल्दी प्रोडक्ट के प्राइसिंग बताओ। हाँ, दैट्स इंपोर्टेंट। तो जो यूब्रिड लाइफ है उसका MRP 40,000 है। वाओ तेरी। जो मिनी है डेस्कटॉप वर्जन वो 5,000 है उसका रिटेल प्राइस, और जो वॉल है वो टिपिकली एक सर्विस डिपेंड करता है साइज पे। मेरा एक सवाल है, जो MI का एयर प्यूरीफायर आता है 10-11 हज़ार का, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर अभी वो लगाया होता उस रूम में तो अभी ये खत्म हो गया होता। आप अग्री करते हैं इस बात से? तो PM2.5 में मैकेनिकल फिल्टर्स जनरली फास्टर वर्क करते हैं, तो बेसिकली घरों के लिए वो ही बेटर। जी, आपकी कोई प्रॉफिट बन रही है कि नहीं बन रही है? इस समय हम लोग का लॉस रहता है करीबन 3 लाख महीने का रहता है। That's expected. आप यूनिट इकोनॉमिक्स जरा जल्दी से बता दें। हमारा इस टाइम पे ग्रॉस मार्जिन काफी कम है। एवरेज बताइए। 30%। 30%, that's terrible. इसके बाद हमारा EBITDA -50 पे चला जाता है। So then how are you paying this 3 lakh loss? Founders की पॉकेट से हम लोगों ने पैसे इसमें लगाए हैं। कितने लगाए हैं टोटल आज तक? करीबन 45 lakhs के आसपास। आप को बिग पिक्चर में थोड़ी सी मुझे लैक दिख रही है कि जो जरूरत है कंज्यूमर की वो कहीं आगे बढ़ते जा रही है, दूसरी दूसरी कंपनीज उसको प्रोवाइड कर रही हैं। ये आपका लक्ष्य बहुत अच्छा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द रीजंस आई जस्ट एक्सप्लेन्ड आई हैव टू बी आउट।